फरीदाबाद में नगर निगम द्वारा दूसरे दिन सुबह 5 बजे से ही आसपावाद वार्ड नंबर 21 में पार्षद मीरा शर्मा के साथ मिलकर खुले में शौच को जाते युवक युवतियों को रोका गया एवं ढोल बजाकर पूरे क्षेत्र में खुले में शौच मुक्त कराने को लेकर जागरूक किया। इस पूरे कार्यक्रम में वार्ड की पार्षद मीरा शर्मा, जोनल सैनिटरी इंस्पेक्टर दलवीर सिंह, सैनिटरी एवं फूड इंस्पेक्टर महेश कुमार ने अपनी पूरी टीम के साथ क्षेत्रों में जा जाकर भ्रमण किया। फिरोजाबाद से अमित पारसा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। आप सभी सम्मानित नगर वासियों को सूचित किया जाता है, जो भाई खुले में शौच कर रहे हैं, खुले में शौच करने का मतलब बीमारी, जो खुले में शौच करते हैं क्योंकि मक्खियां मंडराती है और मक्खियां मंडराती है वो कंधे पर और सिर पर बैठ कर आपके रसोई घर तक चली जाती है। निवेदन किया जाता है कि आप क्या खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, निवेदन किया जा रहा है ऐसा ना करें क्योंकि मक्खियां आपके रसोई घर तक आपके खाने पीने के सामान तक पहुंच जाती है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में आप क्या खाते हैं, निवेदन किया जा रहा है ऐसा ना करें। सोच बदले, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यह ऐलान किया जा रहा है कि खुले में शौच ना करें, सोच बदले, खुले में शौच करने से बीमारी पैदा होती है। शौचालय बनवाए, सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, आवेदन करें, ऑनलाइन करें, सरकार की तरफ से शौचालय बनाए जा रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यह ऐलान किया जा रहा है। मारने वाली बात नहीं, मार जो है, मार जो घर में शौचालय है, फिर क्यों जाते हो? नहीं, यहाँ जुर्माना लग गया, यहाँ नहीं रहते हैं, बांगर में रहते हैं, तो यहाँ क्यों रहते हो? शौचालय नहीं क्या? अरे